नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर, दो चैन स्नेचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुड़केश्वर पुलिस की नाक में दम कर देने वाले दो चैन स्नेचरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम मिलखन उर्फ लखन नाथुलाल सोलंकी 22 वर्ष, पिपला फाटा हुड़केश्वर रोड व पप्पू श्यामलाल बुर्डे 22 वर्ष, चौधरी अस्पताल के सामने कामठी निवासी है। पुलिस ने दोनों चैन स्नेचरों से करीब 1,43,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों ने एक ही दिन में हुड़केश्वर व नंदन वन में 3 जगह पर चैन स्नेचिंग कर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में नायब पुलिस सिपाही राजेश मोत्र दीपक तलेकर की महती भूमिका रही। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत 2 अगस्त को रजनी यणगंदवार 65 वर्ष, प्लॉट नंबर 41, साई बाबा कॉलोनी गोनी सिम हुड़केश्वर निवासी पति अशोक यंगलवार के साथ पैदल उमरेट रोड से नाग मंदिर में दर्शन जा रही थी। इसी दौरान रात करीब 8 से 8:15 के बीच दरमियान गजानन नगर प्लॉट नंबर 34 के सामने रोड पर पीछे से आए एक्टिवा पर सवार दो चैन स्नेचरों ने 60,000 रुपए का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मिलखन उर्फ लखन सोलंकी और उसके दोस्त पप्पू बुर्डे को गिरफ्तार किया। विक्रम शाम को टहलते हुए राधाकृष्ण नगर से जा रहे थे, तब आरोपियों ने 8,000 रुपए का मोबाइल फोन छीन लिया था। आरोपियों ने नंदनवन में वैशाली शहीद चन्ने कीर्ति नगर प्लॉट नंबर 78B गली नंबर 3 नंदनवन निवासी को गत 2 अगस्त को भी रात 7:45 बजे बच्चियों के लिए फ्रूटी लेकर जा रहे, तब उनके गले से 25,000 रुपए के सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए थे। दो चैन स्नेचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुड़केश्वर पुलिस की नाक में दम कर देने वाले दो चैन स्नेचरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के नाम मिखन उर्फ लखन नाथुलाल सोलंकी 22 वर्ष, पिपला फाटा हुड़केश्वर रोड व पप्पू श्यामलाल बुर्डे 22 वर्ष, चौथी अस्पताल के सामने कानपुर निवासी है। पुलिस ने दोनों चैन स्नेचरों से करीब 1,43,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों ने एक ही दिन में हुड़केश्वर व नंदनवन में 3 जगह पर चैन स्नेचिंग कर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में नायब पुलिस सिपाही राजेश मोती और दीपक तहरकर की महती भूमिका रही। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को रजनी ये ने गंदलवार 65 वर्षीय प्लॉट नंबर 41 साई बाबा कॉलोनी गोनी सिंह हुड़केश्वर निवासी पति अशोक येन गंदलवार के साथ पैदल उमरेट रोड से नाग मंदिर में दर्शन की जा रही थी। इस दौरान रात करीब 8 से 8:12 बजे के दरमियान गजानन नगर प्लॉट नंबर 34 के सामने रोड पर पीछे से आए एक्टिवा पर सवार दो चैन स्नेचरों ने 60,000 रुपए का सोना का मंगलसूत्र छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मिखन उर्फ लखन सोलंकी और उसके दोस्त पप्पू बुर्डे को गिरफ्तार किया। विक्रम शाम को टहलते हुए राधाकृष्ण नगर में जा रहे थे, तब आरोपियों ने 8,000 रुपए का मोबाइल फोन छीन लिया था। आरोपियों ने नंदन वन में वैशाली श्रेयते चन्ने कृति नगर प्लॉट नंबर 78B गली नंबर 3 नंदनवन निवासी को गत 2 अगस्त को रात 7:40 बजे बच्चों के लिए फ्रूटी लेकर जा रहे थे, तब उनके गले से 25,000 रुपए का सोने का मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।